हाय ओरविल, तुमने अपना नाम नहीं बताया। इट्स अलीना। ओरविल का मतलब क्या है? समुंदर। और सेलिना? आसमान। दोनों कभी नहीं मिलते। तुम्हारी शादी हो गई? डायरेक्ट शादी? ये नहीं पूछूंगी कि गर्लफ्रेंड है। नहीं, अब तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है। सीक्रेट आर द एनिमी ऑफ लव। ये बात समझने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मैं। तो दोस्तों फाइनली मेगा स्टार सलमान खान के चाहने वालों के लिए फाइनली गुड न्यूज निकल कर आई सामने, क्योंकि फिल्म में किसी का भाई किसी की जान के रिलीज हो जाने के बाद फाइनली सलमान खान ने शुरू कर दी है एक और फैमिली एंटरटेनिंग मूवी की शूटिंग को। तो दोस्तों साल 2023 सलमान खान के चाहने वालों के लिए वाकई में काफी ज्यादा खास रहने वाला है, क्योंकि इस साल सलमान खान बड़े पर्दे पर जहां हम सभी को फिल्म में किसी का भाई किसी की जान के साथ पूरी फैमिली को एंटरटेन करते हुए नजर आए थे, जिसके बाद सलमान खान अब दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली अपनी मच अवेटेड फिल्म यानी कि टाइगर 3 के साथ जबरदस्त एक्शन करते हुए और वो भी कैटरीना कैफ के साथ देखने को मिलेंगे। तो वहीं इन दोनों ही फिल्मों के बाद अब फाइनली सलमान खान ने एक और फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है, जिससे हाल ही में सलमान खान का एक जबरदस्त नया लुक भी हाल ही में सामने आया है, जिसमें हम सलमान खान को ऑरेंज कलर के कपड़ों में देख सकते हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ नजर डाले तो ऐसा बताया जा रहा है कि सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फैमिली एंटरटेनिंग मूवी यानी कि प्रेम की शादी मूवी की शूटिंग शुरू कर दी है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ नजर डाले तो ऐसा बताया जा रहा है कि इन दिनों सलमान खान ने अपनी अपकमिंग फैमिली एंटरटेनिंग मूवी यानी कि प्रेम की शादी मूवी की शूटिंग शुरू कर दी है, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं बॉलीवुड के दिग्गज और फैमिली एंटरटेनिंग मूवी के बादशाह यानी कि सूरज बजातिया, जिन्होंने इससे पहले भी सलमान खान के साथ 3 ब्लॉकबस्टर मूवीज बनाई हैं। आपको बता दें सूरज बजातिया ने सलमान खान के साथ इससे पहले मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन और साल 2015 में रिलीज हुई सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म प्रेम रतन धन पायो को डायरेक्ट किया था, और ये तीनों ही मूवीज कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज साबित हुई थी ये बात शायद आपको बताने की जरूरत ना पड़े। ये तीनों ही मूवीज बॉलीवुड की वो गोल्डन मूवीज साबित हुई थी, जिनके रिलीज हो जाने के इतने सालों के बाद भी आज भी सलमान खान के फैंस इन मूवी को देखना आज भी पसंद करते हैं, जिससे एक बात तो साफ हो जाती है कि जब साल 2024 में दिवाली के मौके पर फिल्म प्रेम की शादी रिलीज होगी तब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ कर रख देगी। फिलहाल ऐसे में सलमान खान की जबरदस्त मूवी के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं।